नमस्कार दोस्तों एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस वीडियो सेशन में हम रीजनिंग सेट ट्वेल्व करने जा रहे हैं इसमें जो क्वेश्चंस आज सेलेक्ट किए गए हैं वो डायरेक्ट एनालॉजी से रिलेटेड हैं सीधी समानता शब्दों के सीधी समानता पर बेस्ड प्रश्नों को यहाँ पर चुना गया है लिया गया है तो ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो डायरेक्ट एनालॉजी वर्ड्स वर्ड्स के डायरेक्ट एनालॉजी पर बेस्ड हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सामान्य मानसिक और तार्किक क्षमता का ये सेट बारवा है और इन टोटल ये ट्वेंटी नाइन्थ सेट है आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है रेड इज टू स्कारलेट इन द सेम वे एज blue इज रिलेटेड टू तो यहां पर रेड और स्कारलेट अगर आप देखें तो रेड और स्कारलेट की बात अगर करें दोनों का मतलब क्या है लाल ठीक है दोनों का मतलब लाल होता है ब्लू क्या हुआ नीला हो गया ठीक है तो ये नीला हो गया अब हमें देखना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन का कलर जो है नीला होता है यहाँ है कैलो कैलो का होता है अनुभवहीन इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है कैलो का मतलब क्या हो गया अनुभवहीन अनुभवहीन हो जाता है फिर जो है हमारे पास कलर कलर का रंग हो जाता है ब्लैक काला हो जाता है सियान जो है ये ब्लू कलर जैसा होता है तो इसका मतलब है ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है मतलब रेड इज़ टू स्कारलेट इन द सेम वे एज ब्लू इज रिलेटेड टू सियान क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्लैमर is to noise is in the same way as science is to अब यहाँ पर क्लैमर is टू नॉइज no, तो हमें पहले क्लैमर का मतलब समझना पड़ेगा नॉइज का मतलब समझना पड़ेगा क्लैमर का क्या मतलब होता है क्लैमर का मतलब होता है शोर तो जो शोर मचाते हैं वो ठीक है क्लैमर का मतलब है शोर तो शोर और नॉइज नॉइज भी क्या है शोर ही है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों जो है सेम ही है दोनों का मतलब शोर ही है तो अब हमें ये देखना है कि जो साइलेंस है यहाँ पर साइलेंस आएगा साइलेंस किस तरह से रिलेटेड है साइलेंस इज रिलेटेड टू accord, हश स्टिल माइल्ड तो यहां पर जो है एकॉर्ड मतलब क्या होता है सहमति ठीक है एकॉर्ड मतलब होता है सहमति हश हश मतलब होता है खामोशी और साइलेंस का मतलब भी होता है खामोशी तो हम जो है हंस के साथ जाएंगे क्योंकि इसका मीनिंग है खामोशी ठीक है तो स्टिल अब आगे के ऑप्शंस को भी देख लें तो हमारा स्टिल जो है स्टिल मतलब क्या हो गया शांत तो स्टिल जनरली वाटर वगैरह के साथ यूज़ होता है तो शांत हम स्टिल उसके साथ यूज करते हैं माइल्ड का मतलब क्या होता है माइल्ड का मतलब होता है नरम तो इस तरह से हमारे पास यहां पर जो ऑप्शन होगा वो है हस हर्ष के साथ हम जाएंगे साइलेंस इज रिलेटेड टू हस यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है तो ये भी आप ध्यान देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री है एबडक्शन इज टू किडनैपिंग इन द सेम वे एज लार्सनी Is to लार्सनी is related to डैश ऑप्शंस है सिन क्राइम ब्लैकमेल थेप्ट आप अपने ऑप्शंस मार्क करते रहिए अगर आप देखिए एवडक्शन और किडनैपिंग दोनों सेम ही चीज़ें हैं एवडक्शन भी एक अपहरण हो गया और किडनैपिंग भी अपहरण हो गया तो बेसिकली इन दोनों का जो सेम मीनिंग है वो है अपहरण ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर अपहरण है तो अपहरण जो यहां पर भी ये दोनों क्या हो गए सेनोनिम्स हो गए तो लार्सनी जो है लार्सनी का मतलब क्या होता है लार्सनी का मतलब होता है चोरी ठीक है तो इसका मतलब हो गया चोरी अब हमें ये देखना होगा कि ऑप्शन में चोरी किससे मीनिंग निकल रहा है सीन मतलब होता है अपराध क्राइम मतलब भी एक तरह से अपराध ही हो गया ब्लैकमेल तो हमें पता है कि ब्लैकमेलिंग क्या है थैप्ट मतलब होता है चोरी इस तरह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है क्योंकि लार्सनी मतलब होता है चोरी और थैप्ट मतलब भी चोरी तो इस तरह से एबडक्शन जिस तरह से किडनैपिंग से रिलेटेड है उसी तरह से लार्सनी जो है वो थेप्थ से रिलेटेड है चोरी से रिलेटेड दोनों का मीनिंग चोरी है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं इंस्टीट्यूट इज टू एकेडमी इन द सेम वे एज डिग्री इज रिलेटेड टू ब्लैम जज कोर्ट मैंडेट अब अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूट का क्या मतलब होता है कोई भी संस्थान आप पढ़ते हैं तो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं एकेडमी भी वही है तो दोनों का मीनिंग जो है क्या है संस्थान है ठीक है दोनों का मीनिंग संस्थान है ठीक है अब डिक्री क्या होता है डिक्री जो है कोई ऑर्डर होता है आदेश होता है तो डिक्री का मतलब हो गया आदेश अब हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें किसका मीनिंग है आदेश तो आदेश जिसका भी मीनिंग होगा वो हम हमारा ऑप्शन हो जाएगा तो ए है ब्लेम ब्लेम तो आदेश नहीं हुआ जज जज मतलब क्या हो गया फैसला करना कोर्ट वही कचहरी जहां पर फैसला होता है तो ये भी नहीं हुआ उसके बाद मैंडेट मैंडेट जो है ये हमारा रिलेटेड है डिक्री से मैंडेट भी एक तरह से जनादेश हो गया मैंडेट मतलब होता है जनादेश ठीक है और डिक्री मतलब होता है आदेश तो जनादेश आदेश तो हम मैंडेट के साथ इसमें जाएंगे क्योंकि बाकी सारे ब्लेम जज और कोर्ट ये सभी अलग अलग मीनिंग बना रहे हैं तो हमारे लिए जनादेश इसमें सबसे क्लोजेस्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं हाइब्रो इज टू कल्टिवेटेड इन द सेम वे एज स्वेब इज रिलेटेड टू ब्रॉड माइंडेड अर्बेन एलिगेंट स्टाइलिश अब पहले हाइब्रो का मतलब समझना पड़ेगा कल्टिवेटेड का मतलब समझना पड़ेगा अगर हाइब्रो का मतलब समझें तो बुद्धिमान होता है हाइब्रो मतलब बुद्धिमान ठीक है जबकि कल्टिवेटेड मतलब क्या हो गया सभ्य सभ्य आदमी कल्टिवेटेड ठीक है तो स्वेब का मतलब क्या है स्वेब का मतलब जो है वो भी होता है सभ्य तो ये भी सभ्य ही हो गया कल्टिवेटेड मतलब भी सभ्य हो गया अब हमें ये देखना है बेसिकली क्या हुआ कि बुद्धिमान सभ्य होंगे स्वेब वो भी सभ्य हो गया अब अगर हम ऑप्शंस में से देखें तो ब्रॉड माइंडेड अर्बन एलिगेंट स्टाइलिश तो इन सभी में जो सबसे क्लोज है वो है अर्बन अर्बन का मतलब होता है सुसंस्कृत सुसंस्कृत होता है अर्बन का मतलब तो हम अर्बन के साथ जाएंगे ठीक है हमारा तो अर्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं टर्मोइल इज टू ट्रबल इन द सेम वे एज ट्रेजिडी इज रिलेटेड टू डैश ड्रामा पीटी स्टॉप डिजास्टर टर्मोइल क्या होता है टर्मोइल मतलब होता है हलचल ठीक है हलचल जो होता है उसको हम टर्मोल कहते हैं कोई बात नहीं ट्रबल मतलब क्या हो गया मुसीबत ट्रेजिडी मतलब क्या हो गया दुखद घटना अब ड्रामा ड्रामा तो नाटक हो गया पीटी दया स्टॉप रुकना और डिजास्टर अगर देखें तो डिजास्टर और ट्रेजेडी ये दोनों आपस में रिलेटेड वर्ड्स हैं ठीक है तो हम जो है डिजास्टर के साथ जाएंगे क्योंकि हलचल का जो है मतलब एक तरह से सिनोनिम है ट्रबल और ट्रेजेडी ट्रेजेडी भी दुखद घटना है और डिजास्टर भी दुखद घटना है तो ये जो है हम डिजास्टर के साथ जाएंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं लार्गो इज टू स्लो इन द सेम वे एज डी मी न्यू एंडो डी मी न्यूएडो इज रिलेटेड टू लार्गो का क्या मतलब है लार्गो का मतलब होता है अति विलंबित मतलब बहुत धीरे धीरे चलने वाला बहुत धीरे धीरे ठीक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अति विलंबित अति विलंबित, स्लो भी क्या हुआ विलंबित डिमी का क्या मतलब हो जाएगा डिमी का मतलब है धीरे धीरे किसी चीज को कम करना तो बेसिकली यहां पर भी सिनोनिम्स ही चल रहे हैं तो लाउड मतलब तेज हो गया डिक्रीज मतलब कम करना स्टॉप मतलब रोक देना क्वाइट मतलब शांत तो अगर हम देखें तो ये जो है स्लोली कम करना और डिक्रीज तो बेसिकली कम करना वाले के साथ हमें जाना चाहिए तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं फोर फिट इज टू सरेंडर इन द सेम वे एज रिमिट इज रिलेटेड टू एग्जाम्प्ट कॉन्फिस्केट परसीव कैंसल तो अगर आप यहाँ पर देखें फोर फिट मतलब क्या होगा जब्त करना सरेंडर मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ को विलिंगली देना थोड़ा डिफरेंस है वर्ड्स का फोर फिट मतलब हो गया जब्त करना जब्त करना अलग है सरेंडर मतलब होता है किसी चीज़ को अपने आप से जाके उसको दे देना सौंप देना तो जाप्त करना और सौंप देना थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है तो रिमिट मतलब भी होता है माफ़ करना अब रिमिटेंस होता है ना रिमिट कर देते हैं वो जो जैसे लोन वगैरह होता है एग्जम्प्ट मतलब भी हालांकि माफ़ करना होता है पर ये जनरली किसी चीज़ को नहीं करने से मतलब करने से रिलेटेड हो गया कॉन्फिस्केट मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना ये भी जब्त करना ही है परसीव मतलब कॉन्फिस्केट भी नहीं चलेगा परसीव मतलब क्या होता है अनुभव करना परसीव मतलब होता है अनुभव करना यह भी नहीं चलेगा कैंसल कैंसल विल बी रिलेटेड टू तो दिस इन द सेम वे एज फोर फिट इज सरेंडर रिमिट और कैंसिल ठीक है तो रिमिट और कैंसिल हो गया तो ये दोनों सेम ही हो गए लगभग पर रिमिट क्या हुआ कि माफ हो जाना और ये है कि पूरा एक तरह से उसको मना ही कर देना क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं लेजरली इज टू अनहरीड इन द सेम वे एज टार्डी इज रिलेटेड टू डिम्स लगिस सॉर डॉडल तो लेजरली इज रिलेटेड टू अनहरिड लीजरली का मतलब हमें समझना पड़ेगा लीजरली मतलब होता है धीरे धीरे अनहरिड भी एक तरह से है धीरे धीरे ही उसका भी मीनिंग अनहरिड मतलब होता है धैर्यवान ठीक है तो धैर्यवान मतलब आराम से काम करने वाला टार्डी मतलब क्या हुआ टार्डी मतलब होता है मंद तो अब हमें देखना पड़ेगा ये सभी मतलब बेसिकली सेनोनिम्स ही हैं ये भी धीरे है हैं लेजरली भी धीरे है हैं अनहरिड भी धीरे है हैं टाडी भी धीरे मंद डिम डिम मतलब काम करना जनरली ये लाइट से रिलेटेड है स्लगिस स्लगिस जो है उसका क्या मतलब है ये भी स्लगिस का मतलब भी होता है आलसी यानी कि ये भी तो धीरे धीरे ही काम करने वाला है तो टाडी मंद वो आपका स्लगिस से ज़्यादा रिलेटेड होगा क्योंकि सौर मतलब तो खट्टा होता है और डॉडल डौ, मतलब भी हमारे पास विलम्ब करना होता है लेकिन स्लगिस और मतलब मंद इसका भी मीनिंग मंद है और इसका भी मीनिंग मंद है ऐसे ये आलसी हो गया आलसी और मंद तो एक ही बात हो गई ना क्वेश्चन नंबर टेन है गिल्ड इज टू एसोसिएशन इन द सेम वे एज फ्लिट इज रिलेटेड टू वैसल, वाटर शिप अरमाडा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है तो पहले हम अगर मीनिंग वाइज डिस्कस करें तो गिल्ड का मतलब क्या होता है एसोसिएशन का मतलब क्या होता है गिल्ड और एसोसिएशन जनरली जो है संघ और समिति मतलब गिल्ड मतलब होता है संघ ठीक है और एसोसिएशन मतलब क्या होता है समिति तो दोनों एक तरह से सेमी काम कर रहा होता है मतलब होता है बेड़ा ठीक है बेड़ा तो जहाज का बेड़ा हो सकता है तो हमारे पास वैसल मतलब होता है पोत वाटर पानी शिप जहाज अरमाडा अरमाडा इज वाट वी आर लुकिंग फॉर अरमाडा है जहाजों का बेड़ा तो बेड़ा ही हुआ बेसिकली तो अरमाडा हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है इस तरह से आज के इस सेशन में हमने दस टेन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पर बेस्ड आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करें और अगर आपने अभी तक एम एंड सी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है आप उसे सब्सक्राइब करें बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले सेट यानी कि थर्टीन सेट के साथ होगी तब तक के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी एग्जामिनेशन थैंक यू थैंक्स अ लॉट